हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो कि टैली प्राइम की है, डिस्काउंट लगाना सीखेंगे। डिस्काउंट लगाना मैंने बताया है दो तरीकों से, डिस्काउंट एक ही वीडियो में कवर कर रहा हूं, यानी कि मैनुअल तरीके से डिस्काउंट लगाना और जो टैली में डिस्काउंट का फीचर दिया होता है उससे भी डिस्काउंट लगाना। ये दोनों ही तरीके से डिस्काउंट कवर करूंगा आज के इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर परचेज वाउचर में है, यहाँ पर एक क्रेडिटर पार्टी का लेजर हमें बनाना है। तो यहाँ पर महेश क्रेडिटर, महेश करो, महेश बढ़िया नाम है, ये मुझे भी पता है। इसके बाद से ये सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप में इसे डाल दो, ठीक है। तो ये सन्ड्री क्रेडिटर हो गया, मेंटेन बिल बाय बिल, इसको यस रखना है, एंटर प्रेस करते हुए इसको करा लेना है एक्सेप्ट। ये एक्सेप्ट हो गया, फिर इसको भी एक्सेप्ट करा लो, ठीक है। एक्सेप्ट कराओ, यहाँ पे आओ। अब ये परचेज अकाउंट का लेजर आ जाएगा, ये तो पता ही है। यहां पर हमें स्टॉक आइटम बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो काफी सारे स्टॉक आइटम पहले से बने हुए हैं, तो जीन्स ले लेते हैं, 200 जीन्स, तो 2000 का एक, 1000 का एक है, तो देखो ये 2,00,000 की खरीदारी तुम कर ली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डिस्काउंट लगाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक तो मैनुअल तरीका है। मैनुअल तरीका क्या है कि यहाँ हम डिस्काउंट का लेजर बना ले। जैसे ये लेजर बना हुआ, मैं आपको एक बना के दिखा देता हूँ। आपको कीबोर्ड से अल्ट के साथ सी प्रेस करना है और यहाँ पे लिख दीजिए लाइक कैप्स लॉक ऑफ करो, पहले सब कैपिटल में आ रहा है, डिस्काउंट एट द रेट 2%, एट द रेट डिस्काउंट, डिस्काउंट एट द रेट 2%, ओके। एंटर प्रेस करो। ये आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस या इनकम दोनों में डाल सकते हैं, ठीक है। डिटेल में डिस्कशन बाद में करेंगे इस पे, अभी इसको एक्सेप्ट करवाता हूं, ओके। तो यहां पर कर्सर आ जाता है। अब यहां पर मान लीजिए 2% दो, खाली 2%, ठीक है। अब देखिए यहां पर 2,00,000 रुपए है, लेकिन अगर 2% हम डिस्काउंट दे दें डायरेक्टली इस तरीके से, तो ये बढ़ के 2,04,000 हो जाएगा। तो ये तो डिस्काउंट कहां हुआ, ये तो और 4,000 जुड़ गया। तो इसके लिए हमें माइनस लगा करके डिस्काउंट देना होगा, ठीक है। तो माइनस 2 करिएगा और एंटर करिएगा, तो देखिएगा कि 4,000 माइनस हो गया है। अब 1,96,000 रुपया लग रहा है, तो ये हो गया डिस्काउंट, ठीक है। अब इसको एक्सेप्ट करा लीजिए आप। इस पर जीएसटी भी लगाया जा सकता है, जीएसटी इनेबल हुआ है, हुआ है इनेबल, चलो ठीक है, बाद में जीएसटी तो बहुत वीडियो है, जीएसटी बाद में समझेंगे। अब ये हो गया मैनुअल तरीके से डिस्काउंट। और दूसरा डिस्काउंट क्या है, दूसरा डिस्काउंट ये है कि हम यहाँ पे डिस्काउंट ऑप्शन इनेबल कर सकते हैं। F11 की प्रेस करेंगे, यही हमारी कंपनी है, इसमें डिस्काउंट ऑप्शन नीचवा दिया रहता है, देखो ये नीचे दिया हुआ है, तो इसको Y प्रेस करके इनेबल कर लो। अब डिस्काउंट का एक अलग से कॉलम बन जाएगा आपके में, ठीक है। जब एंट्री पास करने जाइएगा तो डिस्काउंट का एक अलग से कॉलम बन जाएगा, ठीक है। वो डेट चेंज करो, डेट चेंज करो, 2020 करो, चलो। अब देखिए यहां पर आते हैं और ये महेश, यही थी पार्टी हमारी, क्रिएटर पार्टी। एंटर प्रेस करो, एंटर प्रेस करो। यहां पर ले लो कोई भी स्टॉक आइटम, पहले से पड़ा होगा, टी शर्ट ले लो, दो टी शर्ट, एक टी शर्ट कीमत 350 रुपए, तो दो टी शर्ट की कीमत आ गई, ठीक है। इस पर डिस्काउंट दे दो 2% का, तो 2% का डिस्काउंट दे दिया हमने। तो देखो सिंपली 350 कितना होगा, 700। अगर मैंने यहां पर डिस्काउंट ना दिया हो तो यहां पे कितना दिखेगा आपको, 700 दिखेगा। और यहां पर अगर 2% का मैंने डिस्काउंट दे दिया तो ये घट जाएगा, 686 हो जाएगा। यहां पर आपको माइनस लगाने की जरूरत नहीं। तो इस तरीके से आप दोनों तरीके से डिस्काउंट लगा सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई, थैंक यू।